मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर शनिवार को युवा साहित्यकार अमित कुमार द्वारा लिखित पुस्तक एक सुलझा हुआ रहस्य का विमोचन एडीजी जोन अखिल कुमार एवं वरिष्ठ लेखक एवं चिंतक प्रोफेसर रामदेव शुक्ल ने किया। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि अमित कुमार द्वारा लिखित पुस्तक एक विज्ञान कथा है जो युवाओं को पसंद आएगा। एडीजी जोन अखिल कुमार ने युवाओं को किताबें पढ़ने को लेकर कहा कि जब आप अच्छा पढ़ेंगे तभी आप अच्छा लिखेंगे। साथ ही लेखक अमित कुमार ने बताया कि एक सुलझा हुआ रहस्य 11 कहानियों का संग्रह है जो विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे शोध कार्यों और अनसुलझे रहस्यों से भरा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लेखक अमित कुमार एवं एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, हमारे बीच आए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति हैं जो आमतौर पर हम लोग जब पुलिस का नाम सुनते हैं जो पुराना दिमाग में जो पुरानी छवि है उसके हिसाब से एक भय सा व्याप्त होता है, शिद्दत से लगे हुए हैं। आपने एक नई शुरुआत की है जो डीपीओ बीट पुलिस ऑफिसर हर मोहल्ले में हर क्षेत्र में एक पुलिस कांस्टेबल इस वजह से रखा जाएगा कि वो निरंतर जो है वहाँ के लोगों से मिल करके चाहे सबसे मिल करके वो अपना फोन नंबर सबको देंगे, सबसे मिल के बताएंगे कि किसी भी परिस्थिति में जो भी बाप बेटी के संबंध बहुत ही खरगोश बनवाया गया तो उसमें जेलीफिश का जीनोम से खरगोश के जीनोम में हस्तक्षेप कराया गया। ये केवल विज्ञान का मामला है कि इसके साथ कोई नैतिकता का भी मामला बनता है क्योंकि वो सुनहरा खरगोश अपने परिवेश से कट करके क्या। अब अमित कुमार जी का ये संग्रह जनता के बीच में आ गया, लोग के बीच में आ गया, लोग का हो गया, अब इनका अपना नहीं रहा नाम भले इनका। छठी बार तो इस पर कहानियां भी लिखी गई हैं कि रचनाकार ने एक पात्र सृजित किया और पात्र हमारे मुंह से निकली हुई हमारी बोली, हमारा वक्तव्य हमारे बाहर निकलने के बाद वो हमसे आजाद हो। अमित जी अभी आए थे 2-3 दिन पहले और उन्होंने बताया कि साहब हमने ये पुस्तक लिखी है, इसका विमोचन होना है और आप आए। और मैं उनसे कहा कि मुझे 1-2 दिन का समय दे दीजिए क्योंकि शनिवार का समय अभी कन्फर्म नहीं था कि करेंगे क्या, और मैं चिंतन मनन ही कर रहा था कि क्या किया जाए इस विषय में क्योंकि एक तरफ एक हमारे लेखक आए हैं और उन्होंने बुक भी लिखी है और उसका रिलीज चाहते हैं और कुछ हमारी इंगेजमेंट्स थी। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मौका मिला आपके यहाँ आने का और इस बुक रिलीज में भागीदारी करने का। अभी थोड़ी देर में मैं कोशिश किया था बुक के पहली जो स्टोरी आपने लिखी है उसमें पहले 2 पन्ने में पढ़ पाया इतनी देर में। इंटरेस्टिंग बात थी कि पुलिस से रिलेटेड कुछ लग रही थी, कोई चोरी हुई है बैंक में और उसी के विषय में था तो मेरा और जिज्ञासा बढ़ता गया। कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का प्रयोग के विषय में लिखा था तो मेरा इंटरेस्ट जग गया है, मैं जल्दी उम्मीद करता हूँ इसको पढ़ डालूंगा। परंतु जो बात है कि जो कला है बुक लिखने की, मैं इंजीनियरिंग का छात्र रहा और थोड़ा लिटरेरी साइड और लिटरेचर से दूर रहा इन द सेंस कॉलेज टाइम से बहुत साल बादों तक नौकरी में आने तक भी, और मुझे अगर एसे लिख देने के लिए कहा जाता था तो मेरे क्लास लग जाती थी। मेरे UPSC में एसे में भी बहुत कम नंबर आते क्योंकि लिखने की आदत नहीं थी, साइंस स्टूडेंट रहे फिर इंजीनियरिंग पढ़ा तो लिखना का कौशल नहीं था अंदर अपने अंदर। एक तरफ से ना जब नंबर कम आ गया तो बोला बेकार है यार ये कोई चीज़ है, ये लिखना क्या है, इसमें कुछ भी लिख दो फर्जी नंबर आ जाते हैं। बट धीरे 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 रियलाइज़ किया कि ये एक ऐसी क्रिएटिव फील्ड है और एक ऐसा आर्ट है कि हर आदमी इसको तुरंत इस कौशल पर प्रांगत नहीं हो सकता। एक स्किल है जिसमें सबसे पहले तो आपको थॉट और क्रिएटिविटी आनी चाहिए कि हाँ या हम इस तरह से लिखें। जब आप ये बुक पढ़ेंगे इनके 2 या 3 पैराग्राफ हैं जो मैं पढ़ा और उस हर प्राग में एक यूनिकनेस लग रही थी, वो हर पैराग्राफ अलग ढंग से शुरू हो रहा है, अलग ढंग से आपको एब्जॉर्व कर रहा है। तो ये एक आसान आर्ट नहीं होता, लिटरेचर और क्रिएटिविटी करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको मास्टर करने में सालों साल लग जाते हैं। मैं कई सालों से ये सोच रहा हूँ कि एक किताब लिखूँगा अपने व्यक्तिगत अनुभव पुलिस के अनुभव से जो डिफरेंट जिलों में रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ विचार ही चल रहा है सालों साल, है ना, करीब 8-10 साल से सोच रहा हूँ किताब लिखूंगा लिखूंगा लिखूंगा, पर जब लिखने बैठता हूँ कंप्यूटर पे तो हाथ कांपने लग जाते हैं।
और अमित जी ने 11 किताब लिख डाली, तो बहुत बधाई के पात्र हैं अमित जी, ये आसान काम नहीं है। मैं आपके इस कौशल में नतमस्तक हूँ। आपसे उम्मीद करूँगा कि ये जो आप लिख रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं अपनी इस जो आपके पास स्किल है, जो आपके पास क्रिएटिविटी है, उससे जनता को लाभ मिल रही है, पब्लिक को उस रीडिंग से फ़ायदा मिल रहा है। मैं जो यंगस्टर्स हैं उनसे कहूँगा कि मैं जो गलती किया था आप मत करिएगा। अनुभव जो लिखेंगे तो धीरे धीरे लैंग्वेज इंप्रूव होगा, धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे कि कैसे लिखें, बच्चों को सही ढंग से रख सकते हैं। जो बंदा पुअर है पॉलिटिक्स में, पिछड़ा हुआ किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, तो ये एक अच्छा स्किल है जिसको इग्नोर नहीं करना है। ये बेसिकली एक विज्ञान कथा संग्रह है जिसमें 11 कहानियां हैं और इसी का विमोचन था। ये जो 11 कहानियां हैं ये विभिन्न पत्रिकाओं में छपी हैं और ये विभिन्न विषयों पे केंद्रित हैं, विभिन्न संदर्भों पे केंद्रित हैं ये कहानियाँ। हाँ, चूँकि हम लोग एक आइडियोलॉग भी हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट हैं, कथा सम्राट हैं, और उनकी आज जयंती है, तो ये एक अवसर आयोजकों ने चुना कि इसको इस स्थिति में विमोचन किया जाए। ये किसी के लिए भी गर्व की बात हो सकती है। बेसिकली ये फिक्शन जो है वो किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति पढ़ सकता है। विज्ञान को एक बहुत नई विधा तो नहीं, जो आधुनिक हिंदी कथा साहित्य है उसी के साथ साथ ये विज्ञान कथा साहित्य का भी उदय होता है, लेकिन कथा साहित्य के सापेक्ष यदि बात करें तो ये विज्ञान कथा थोड़ी सी पिछड़ गई है। कारण, लिखने वालों की संख्या कम है। विज्ञान कथा बेसिकली विदेशों में बहुत प्रचलित है और बहुत सी पिक्चरें भी बनाई गई हैं और बहुत चर्चित पिक्चरें बनाई गई हैं। मैं एक दो नाम आपको बता दूं, जुरासिक पार्क एक है, इंडिपेंडेंस डे है जो अरबों अरबों की का बिजनेस की हैं और बहुत फेमस रही हैं। तो हिंदी में विशेषकर, और अच्छा अन्य भारतीय भाषाओं में ये थोड़ी सी समृद्ध है लेकिन हिंदी में कमज़ोर हैं। बावजूद इसके आज विज्ञान कथाएँ लिखी जा रही हैं और विज्ञान को किस तरह से साहित्य में पिरो के पाठकों तक रखा जाए, विज्ञान के की जो खामियां हैं, जो उसकी अच्छाइयां हैं, जो खामियां हैं और उसके जो दूरगामी परिणाम जो आम जनता नहीं देख पाती है या वो समझदारी नहीं डेवलप हो पाती है, उसको एक विज्ञान कथा लेखक कहानियों के माध्यम से परोसता है। और इस 11 जो कहानियां हैं उसमें ज़्यादातर ऐसी ही बातों पर रखी गई हैं। पर्यावरण एक आज के समय में बड़ी एक बड़ी समस्या है और इसमें 5 कहानियां पर्यावरण के इर्द गिर्द हैं जो पाठकों को पसंद आएगी और हमको एक सचेत करेंगी। जी, आज अमित जी का कार्यक्रम था, एक उन्होंने जो नई पुस्तक लिखी है उसका विमोचन था, मैं उसी कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ। एक बहुत अच्छी रोचक पुस्तक लिखी है और अभी तो मैं शुरुआती पन्ने पढ़ पाया हूँ, बट जो ब्रॉडर इशू ये है कि जीवन में लेखन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है जो हम सभी को सीखना चाहिए, खासकर यंगस्टर को सीखना चाहिए। जो आदमी पढ़ेगा और फिर उसको लिखेगा उससे एक क्रिएटिव माइंड क्रिएट होता है और एक इम्पॉर्टेंट स्किल आदमी सीखता है जो उसके व्यक्तिगत तो और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बढ़ाता है, तो उसी को बढ़ावा भी मिले इस कारण मैं यहाँ आया था। उनको भी बधाई दिया है और जो यंगस्टर्स उनको भी हमने आह्वान किया कि वो अच्छा काम करें, इस स्किल को सीखने की कोशिश करें। सर, न्यू जनरेशन को अपने तरह से रीडिंग एंड राइटिंग के आपको बढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरा मानना है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है, लाइफ स्किल है, कि अगर आप रीड करेंगे और लिखेंगे। मैं सभी बच्चों से कहता हूँ सप्ताह में 1 घंटा अवश्य जो पढ़ा है पढ़ें और 1 घंटा लिखें जरूर, अपनी व्यक्तिगत अनुभव को स्वयं अपने से लिखें। हमारे यहाँ क्रैमिंग कराई जाती है, उससे हटना पड़ेगा और क्रिएटिव राइटिंग करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हम करते हैं।